Brothers, kids. घर आए मेहमान। एक समय की बात है, राहुल अपनी पत्नी सीमा और अपनी माँ के साथ रहता था। गर्मियों की छुट्टियों में राहुल की बुआ फूफा अपने लड़के सोनू के साथ उनके घर रहने आए। घर आते ही फूफा जी राहुल से बोले कि यहाँ तो बहुत गर्मी है, घर में कोई एसी नहीं है क्या? राहुल की माँ ने बोला, भाई साहब, अभी कुछ दिन पहले ही राहुल ने अपने कमरे में एसी लगवाया है। यह सुनते ही फूफा जी अपने बेटे से बोले कि सारा सामान राहुल के कमरे में ले चलो। राहुल और उसकी पत्नी सीमा चुप रहे, क्योंकि उनने सोचा कि कुछ ही दिनों की तो बात है। इस तरह बुआ और फूफा जी को राहुल के घर में रहते एक महीना हो गया। राहुल ने अपनी माँ से पूछा कि बुआ जी कब जाने वाली हैं, हम कब तक ऐसे ही हॉल में सोते रहेंगे? राहुल की माँ बोली, बेटा रिश्तेदारी का मामला है, हम कुछ भी तो नहीं कह सकते। राहुल की पत्नी सीमा बोली, वह सब तो ठीक है, लेकिन उनका छोटा लड़का सोनू सारा दिन घर में उधम करता है, कल तो उसने हमारा नया सोफा बुरी तरह से फाड़ डाला। राहुल इस बात पर बहुत गुस्सा हुआ कि नया सोफा फाड़ दिया। वह अपनी पत्नी से बोला, तुम सोनू को ऐसा करने से रोकती क्यों नहीं हो? सीमा बोली, जब से बुआ और पापा जी आए हैं, कुछ ना कुछ खाने की डिमांड करते रहते हैं, जिससे मैं और माँ जी का सारा समय तो रसोई में ही बीत जाता है। राहुल ने कहा, मैं अभी जाकर पापा जी से बात करता हूँ, उनसे पूछता हूँ कि आखिर वे कब जाएंगे। राहुल ने बातों बातों में पापा जी से कहा कि एक महीना हो गया है, आपके जॉब की छुट्टियाँ तो खत्म हो गई होगी ना? पापा जी बोले, राहुल मैंने जॉब तो कब की छोड़ दी है, अब तो मैं बिजनेस करता हूँ और अब मैं इसी शहर में कुछ बिजनेस खोलने की सोच रहा हूँ। पहले इस शहर को समझ तो लूँ, इसमें 2-3 महीने तो लग ही जाएंगे। यह सुनकर राहुल समझ गया कि फूफा जी अभी जाने वाले नहीं हैं। उसने यह बात अपनी पत्नी और माँ को बतलाई। सीमा बोली, जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, इनके साथ भी कुछ ऐसा ही करना होगा, आप यह काम मुझ पर छोड़ दीजिए। उसी रात को बुआ और फूफा जी छत पर सो रहे थे, तभी उनका लड़का सोनू चिल्लाता हुआ उनके पास आया और बोला कि मैंने अभी एक चुड़ैल देखी है। तभी एक चुड़ैल वहां आ गई और बुआ और फूफा जी से बोली कि तुम में से कौन पहले मेरा भोजन बनना चाहेगा। चुड़ैल को देखकर वह बहुत डर गए और उस घर से भाग गए। उनके जाने के बाद सीमा ने अपना चुड़ैल का मुखौटा उतारा। बुआ के परिवार के जाने के बाद सबने चैन की सांस ली। सीमा की सास ने सीमा से कहा, तू तो बड़ी अच्छी चुड़ैल बनती है। यह कहकर सब हंसने लगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी भी रिश्तेदार का गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए। जिस तरह बुआ के परिवार ने अपनी रिश्तेदारी का गलत फायदा उठाया और दूसरों को परेशान किया। धन्यवाद बच्चों। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।